प्रॉब्लम है, उस कॉम्प्लेक्स सी एक सिचुएशन है, पोलर फॉर्म बजाहिर लग रहा हमें क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व है, उसको हम ए प्लस आयोटा यानी कि जो एग्जैक्ट फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की कि समथिंग प्लस आयोटा समथिंग, तो इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे इस एक एक्सप्रेशन को जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब डेफिनेटली हम यहाँ पर पोलर फॉर्म ही यूज करेंगे और पोलर के जो रिजल्ट हमने प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन के देखे थे वो यूज करेंगे, लेकिन उनको यूज करने से पहले हम जरा कुछ इसको प्रिकॉशनरी मेजर्स इसके देख लें वो क्या है। प्रिकॉशनरी मेजर्स के मीन देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, से जेड वन इज इक्वल टू आर वन सीज ऑफ थीटा वन एंड सेकंड इज आर टू सीज ऑफ थीटा टू। ओके, हमने इनके प्रोडक्ट को डिस्कस किया था, क्या था जी जेड वन जेड टू क्या है कि उनके मॉडुलो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और सीज ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू मीन्स के उनके आर्गूमेंट्स एड हो जाएंगे, और डिवीजन में हमने स्टडी किया कि जेड वन ओवर जेड टू के आर वन मॉडुलो भी डिवाइड हो जाएंगे और उनके जो आर्गुमेंट्स होंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये हमने एक स्टडी किया, ओके, ऑब्जर्व भी किया। अब देखें इनको जोन सा है कब अप्लाई होंगे, फॉर एग्जांपल मीन के हर कोई आपको कोई भी आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर और पोलर फॉर्म में बजाहिर नजर आए तो क्या आप इसको अप्लाई कर देंगे? नहीं, इसके लिए आपको एक ऑब्जर्वेशन को जरा कंसिडर करना पड़ेगा, वो ये है कि आपके पास जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है फॉर एग्जाम्पल जेड इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, इसके लिए कुछ बातों को जहन में रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी उसका जो भी इसका मॉडुलस होगा उसको तो आप बस मल्टीपल के साथ उसको लिख देंगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के मल्टीपल के मल्टीपल के तौर पर। लेकिन नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें जो रियल पोजीशन पर हो ना, रियल पोजीशन पर जो विदाउट आयोटा टर्म हो वो डेफिनेटली वो कोसाइन की होनी चाहिए, ओके, और जो इमेजिनरी के साथ होनी चाहिए वो साइन की होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि उनके इन बिटवीन जो साइन हो वो प्लस ही, आप माइनस भी ले सकते हैं लेकिन फिर माइनस के लिए सबको स्टैंडर्ड माइनस ही बनाना पड़ेगा। सेकंड बात के इनके इन बिटवीन साइन प्लस का होना चाहिए, मीन अगर माइनस है तो आप उसको कुछ कंट्रोल करें थ्रू सम आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और थर्ड ये है यहाँ पर कोसाइन और साइन का एंगल इक्वल होना चाहिए, मीन के कोसाइन का आर्गुमेंट फॉर कोसाइन ये इक्वल होना चाहिए आर्गुमेंट फॉर साइन। ये आपने दो बातों को जहन में रखना है कि आर्गुमेंट जो भी एंगल होंगे साइन और कोसाइन के वो इक्वल होने चाहिए। तो ये दो तीन बातें आपने ध्यान में रखनी है कि पहली बात के रियल पार्ट पे कोसाइन की पोजीशन हो और फंक्शन हो और इमेजिनरी पार्ट पर साइन हो, इन बिटवीन उनके प्लस आपको होता नजर आ रहा हो, और आर्गुमेंट जो सा है वो दोनों के इक्वल होने चाहिए, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर हो साइन और कोसाइन की पोजीशन पर। और अब आए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते, देखें हमारे पास गिवन प्रॉब्लम है कि वन प्लस कोस ऑफ 2 थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा ओवर कोस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा। वेल आप देखें डिनोमिनेटर में तो आपके पास एक फॉर्म बनती नजर आ रही है, कोस और साइन और प्लस आयोटा और दोनों के एंगल्स इक्वल हैं। अब आप जोन सा ये 1 आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसके लिए हम जोन सी है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। वो क्या कहता है आइडेंटिटीज के 1 प्लस कोस ऑफ समथिंग वो इक्वल टू होता है जी कोस स्क्वायर जो भी इधर समथिंग है उसका हाफ कर दो, भी समथिंग यहाँ पर है उसका आप हाफ कर दें, तो ये आप फार्मूला यूज करेंगे। इस तरह साइन ऑफ समथिंग क्या होता है वो 2 साइन समथिंग का हाफ इनटू कॉस ऑफ जो भी समथिंग है उसका हाफ। तो ये दो चीजें आप यूज कर लें तो यहाँ पर अबव ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ फॉर्म बन जाएगी। अब देखें 1 प्लस कॉस ऑफ समथिंग इसका फार्मूला पर है जी हमने 2 cos square समथिंग का हाफ, समथिंग क्या है 2 थीटा का हाफ थीटा हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा तो साइन 2 थीटा का हाफ 2 साइन ऑफ 2 थीटा का हाफ राइट साइड पर हाफ है तो थीटा इनटू कॉस ऑफ डिनोमिनेटर आप वैसे ही इसको रखें कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा। अब इसको सिंपलीफाई करते जाएं आप देखें अबव जोन से 2 कॉस ऑफ थीटा कॉमन नजर आ रहा है तो कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ और यहां पर देखें कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा। वेल अब आप देख सकते हैं अबव जोन सी फॉर्म बन रही है, अब कॉस थीटा
वेल ठीक है, रियल पार्ट में कोस नजर आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट में साइन नजर आ रहा है, दोनों के आर्गुमेंट्स भी इक्वल हैं, लेकिन इन बिटवीन माइनस का साइन आ रहा है। अब इस माइनस के साइन को आपने हैंडल करना है कि ये प्लस हो जाए और एंगल्स भी इक्वल हो जाए। तो आए इसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, वो ये है आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्री की है, कि वो ये कह रही है कि माइनस साइन ऑफ थीटा, इसको आप साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री में अलाउ होता है। और इसी तरह कॉस ऑफ थीटा वो कॉस ऑफ माइनस थीटा के तौर पर एक्सप्रेस हो सकता है, मीन के माइनस साइन कौन सा है, वो माइनस को स्केलर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और कोस नहीं करता, वो माइनस को अब्सॉर्ब कर लेता है। ये आप जैसे भी इसको याद रख सकते हैं। अब आए जी हम अपनी सिचुएशन पर आते हैं वापस। तो टू कोस ऑफ थीटा और अबव क्या बन जाएगा जी, कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ टू थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ टू थीटा। वेल अब देखें जी, यहाँ पर आपके पास दो, अब देखें कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो डिवाइड हो रहे हैं, उनके आर्गुमेंट्स आप देखें ऊपर वाले के आर्गुमेंट्स भी इक्वल हैं, इन बिटवीन प्लस साइन है, तो दे आर नाउ कन्फर्मेबल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दैट द क्वेश्चन फार्मूला जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है कि आप दोनों के मॉडलों को डिवाइड करें और एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। आप देखें यहाँ पर अब अप्लाई कर सकते हैं आप टू कॉस थीटा, तो मल्टीपल वैसे ही यूज हो रहा है। अब दोनों का देखें आर्गुमेंट वन वन है और सॉरी मॉडुलस वन वन है, तो वन डिवाइड बाई वन ओके। अब यहाँ पर आप देखें अब इनके आप एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉस ऑफ माइनस थीटा और माइनस टू थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस टू थीटा, और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो टू कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ माइनस थ्री थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थ्री थीटा, और फर्दर सिंप्लीफाई वही अबव ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज कर लें के टू कॉस ऑफ थीटा कॉस जोन सा है वो अपने माइनस को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, याद रखने का जो भी आप तरीका है, और साइन जोन सा है वो माइनस को स्केलरली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मीन बाहर निकाल साइन ऑफ थ्री थीटा। तो ये अब आप देख सकते हैं कि आपकी अब कौन सी फॉर्म बन रही है, टू कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ थ्री थीटा और प्लस आयोटा माइनस टू कॉस ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ थ्री थीटा। तो ये देखें आपकी ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म बनती नजर आ रही है, यहाँ पर इतनी चीज आपके पास ये है और ये इतनी चीज आपके पास बी है, तो ये ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म बन रही है।